हरे कृष्णा, मैं हूँ ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। आप देख रहे हैं लक गुरु कार्यक्रम। लक गुरु कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे तुला राशि के जातकों के बारे में कि जो तुला राशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है और उनको किस फील्ड में नौकरी मिलेगी, उनका व्यापार का जरिया क्या होगा, माइंस के क्षेत्र में काम करेंगे या कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में कार्य करेंगे या पेट्रोलियम के क्षेत्र में कार्य करेंगे, आपका किस क्षेत्र में विकास होगा, राजनीतिक दिशा क्या होगी, आपके घर में शहनाई बजेगी या किलकारी गूंजेगी, ये सारी बातें आज हम आपको बताने वाले हैं। आपको सरकारी नौकरी मिलेगी या आपको मल्टीनेशनल कंपनी में काम करेंगे या व्यापार करेंगे या इंडस्ट्री लगाएंगे, ये सारी बातें आज हम आपको बताएंगे। इसके साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि आपके लिए शुभ दिन क्या है, शुभ अंक क्या है, शुभ रंग क्या है और आज आपको सावधानियां क्या बरतनी है, आपको उपाय क्या करना है, ये सारी बातें हम आपको विस्तार से बताएंगे कि किस फील्ड में आज आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है और आज आपको क्या अपने इष्ट की क्या पूजा करनी चाहिए ये बताएंगे। अब आइए हम बात करते हैं तुला राशि के जातकों के लिए, जो तुला राशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन कैसा रहने वाला। तो जो तुला राशि के जातक हैं, आज आपके मान सम्मान की रक्षा होगी और आप नए तरह के कार्य कर सकते हैं। जो भी योजनाएं बनाएंगे उसमें आज आपको बड़ी सफलता मिलते हुए दिख रही है। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और राजनीतिक लाभ मिलेगा। राजनीतिक क्षेत्र में किया गया प्रयास सार्थक होगा। छोटी छोटी बात को लेकर के आपका मन तनाव में आ जाता है, इससे बचने की जरूरत है। जितना संतुलित सोचेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। और कई बार क्या होता है कि आप नेगेटिव सोच करके परेशान हो जाते हैं। आलस्य का सबसे बड़ा शत्रु है, तो आलस्य का परित्याग करें। और यदि कोई नए तरह का कार्य, नए प्लान, नई योजना अगर बना रहे हैं तो उसमें अभी थोड़ा रुकने की जरूरत है, तो उसमें दिक्कतें आ सकती हैं। साझेदारी में कार्य करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो उसमें भारी नुकसान हो सकता है। आयात निर्यात से लाभ होते हुए दिख रहा है। माली हालत आपकी सुदृढ़ होगी और भी जो कार्य प्रयास कर रहे हैं, जैसे नौकरी के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, कोई नए तरह के कार्य के क्षेत्र में अगर कर रहे हैं तो आपको लाभ मिलेगा। यदि आपने भूमि भवन खरीदने का प्लान कर रखा है तो आप जगह जमीन खरीद सकते हैं, भूमि कृषि हेतु भूमि खरीद सकते हैं और व्यापार कर सकते हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट भी कर सकते हैं। माता का सुख मिलेगा। यदि आप लेखन कार्य में या साहित्य के अभिरुचि के हैं तो उस समय आपका बहुत बढ़िया चल रहा है, साहित्य के क्षेत्र में कुछ बड़ा कर सकते हैं। यदि आप कहानी, किताब, फिल्म बनाना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं तो आज आपको आशातीत सफलता मिलते हुए दिख रही है। साझेदारी में कार्य करने से थोड़ा बचना है। अज्ञात व्यक्ति से कोई भी लेन देन न करें। इमोशंस में आके कोई भी निर्णय लेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। आपकी पत्नी के स्वास्थ्य में सुधार होगा। घर में नए तरह के कार्य होने से मन प्रफुल्लित रहेगा। आप अपने आलस्य का परित्याग करें और प्लान करके करें और कोई भी चीज कल पर न डालें। जो करना है आज ही करना, इस तरीके से करके अगर आप करते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहेगा। आज आपको सावधानी क्या बरतनी है, सावधानी ये बरतनी है कि अपने भावुकता पर निर्णय रखें। भावुकता में आकर के कोई भी निर्णय ना लें तो आपको नुकसान हो सकता है। आज आपको उपाय क्या करना है, आज आपको क्या करना है कि सफेद रंग का वस्तु दान करें या पंचमेवा का खीर बना करके भगवान श्री गणेश को अर्पित करें, दुर्वा अर्पित करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके लिए शुभ अंक है 2 और शुभ रंग है स्काई ब्लू। हरे कृष्ण।